ये स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जहां पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों फार्मूला दिया गया है। अब तक आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, ये तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहां पर ये वाला फार्मूला पढ़ा था, x प्लस a और x प्लस बी वाला, ठीक है। और अब इस वाले वीडियो में हम दोनों जो फार्मूला है उनको मिक्स करके दिया गया है, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको ये सिखा देता हूं। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे या जो मैं आगे चलकर के वीडियोस बनाऊंगा, उन सभी का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको बार बार ढूंढ करके परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बी माइनस सेवन का होल स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमको साफ साफ देख करके पता चल जा रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है यहाँ पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर रहे, यानी कि दोनों का स्क्वायर रहे, तब हमारा हो जाता है a का स्क्वायर माइनस में 2ab और फिर प्लस में b का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। हमको क्या करना है, इस वाले जो हमारे पास a के प्लेस में क्या है b है, और b के प्लेस में क्या हमारे पास 7 है, तो बस इस टर्म में हमें इनको कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले होगा a का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास a क्या है यहाँ पर b है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा b का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2, फिर ए बी है यानी कि मल्टीप्लाई में से, बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी है, तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे माइनस का, उस पर 2 मल्टीप्लाई में ए यानी कि ये वाला बी, और मल्टीप्लाई में बी यानी कि ये वाला 7। उसके बाद फिर प्लस में बी का स्क्वायर है, तो बी के प्लस में 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर इस तरीके से। अब यहाँ से हमारा कितना आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 7 14, और माइनस का साइन है तो -14, और ये बी का भी उतर जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत अब नहीं है, ठीक। और फिर प्लस में 7 7 जाए कितना हो जाएगा हमारा 49। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने 1 और 2 वाले वीडियोस हमारे देखे हैं, तो ये आपसे एकदम आसानी से खुद ब खुद सॉल्व होने वाले अब, ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है प्लस का साइन लगा है, यानी कि ये पूरा हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा पूरा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर रहता है, तो सेम यही वाला फॉर्मूला रहता है, बस यहाँ पर माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस 2ab हो जाता है, और यहाँ पर प्लस की वजह से प्लस 2ab हो जाता है। तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला रहते हैं, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को पूरा पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। तो देखो, a का स्क्वायर यानी कि x और y दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई को ब्रैकेट में रखेंगे और इसका पूरे का स्क्वायर लिखेंगे, केवल अगर मैं वाई का स्क्वायर लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2ab है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में एक्स वाई और मल्टीप्लाई में 3z, ठीक है, ए की जगह में एक्स वाई, बी की जगह में 3z, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर है, यानी कि 3z पूरे का स्क्वायर, यानी केवल जेड का अगर मैं कर दूँ, ब्रैकेट ना लगाऊँ, तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, यानी कि वो एक्स का भी है और वाई का भी है, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर हमारे पास नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगा लेते हैं, यहाँ पर हमारा 3 का भी स्क्वायर है, जेड का भी स्क्वायर है, तो 3 3 9, और ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें अलग क्या है थोड़ा सा, कि इसमें जो हमारा a है ना, वो पहले से ही स्क्वायर बना हुआ है। तो देखो, हमारा जो फॉर्मूला है a माइनस बी को होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ पर हमारे पास है कि a का अगर स्क्वायर है या रहे या मत रहे, उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, a का स्क्वायर लगाना है। जैसे कि देखो, पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर, तो a के प्लेस में हमारे पास कितना है, 6x का स्क्वायर है। हमको क्या करना है, इस जो पहले से ये स्क्वायर है उसको ध्यान नहीं देना है, हमको पूरे का स्क्वायर लगाना है। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों क्वेश्चंस में समझा दिए हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रहे क्यूब रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा फॉर्मूला है a का स्क्वायर, यानी कि ये अभी हमारे लिए पूरा का पूरा a है और हमको इसका स्क्वायर बनाना है, ठीक है। उसके बाद -2ab, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में a के प्लेस में हमारे पास 6x का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई में b के प्लेस में 5y है, यहाँ पर 5y लिख लो, फिर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, और इसको पूरे पूरे को हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो 6 का स्क्वायर है, तो 6 6 हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पर x के पावर में यहाँ भी 2 है और ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, तो जब कभी भी इस तरीके से कंडीशन है तो उसको हम लोग इस टाइप से फॉर्मूला एक होता है हमारा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि a के पावर में जब m रहता है और बाहर में भी m या n जो भी रहे, यानी कि अलग अलग हमारे पास जब रहते हैं ब्रैकेट के बाहर, तब वो पावर्स होते हैं ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि m मल्टीप्लाई n हो जाता है, ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा x के पावर में 2 2 जब 4,
ठीक। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन लगा लो, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 और 10 6 जा हमारा हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 60, ये x का स्क्वायर है और ये y है, तो बस ये उतर जाएंगे x का स्क्वायर y। उसके बाद प्लस का साइन लगा लीजिए और यहाँ पर हमारा 5 का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो 5 जा 25 और y का स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। कितना मजा आ रहा है सॉल्व करने में ना, तो बस आपको भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अब समझना है और कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है ना, मैथ्स को भी नहीं रटना। चलो जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन के टर्म पे दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हमने फ्रैक्शन वाला पहले भी पढ़ रखा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो यहाँ भी हमारा ये फ्रैक्शन वाला इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखो ये पूरा पूरा हमारा ए है प्लस में ये पूरा पूरा बी है और दोनों का स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए का स्क्वायर यानी कि 2/3, ठीक है, ऐसे वाला ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा लो 2/3, अच्छा ये एम नहीं लिखा मैंने, चलो फिर से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/3 एम पूरे का स्क्वायर, यानी ये बन गया हमारा ए का स्क्वायर। फिर प्लस में होता है 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b, यानी कि मल्टीप्लाई में 2/3m, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में 3/2n, तो 3/2n लिख लेते हैं। और फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 का, और यहाँ पर n भी था तो n का होल स्क्वायर, इस तरीके से पूरे सभी का स्क्वायर होगा। ठीक है, ट्रेन आ रहा है, थोड़ा सा अभी वीडियो में पॉज करूँगा, जब तक नहीं आता तब तक हम लोग, तो हो आ गया तुरंत, रुको एक सेकेंड ना, ये ट्रेन ना बड़ा डिस्टर्ब कर लेता है। चलो आज आप सॉल्व करते हैं फिर से, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये देखो ये स्क्वायर जो है ना वो 2 का भी है, 3 का भी है और m का भी है, चीज़ ध्यान रखना। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 3 का स्क्वायर यानी कि 3 जा 9 हो जाएगा, और m का तो स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेते हैं, ये देखो हम हमारा ये सभी जो है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा न्यूमरेटर का 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि एक 1 छुपा हुआ है, तो ये न्यूमरेटर का होगा, और जब कभी हमारा मल्टीप्लाई होता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर कट कर लेंगे, उससे काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हमारा, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर देखो ये 3 भी मेरा कट हो रहा है, तो मैं इसको भी कट कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा काम आसान हो जाए। तो ये 3 से इस 3 को भी हमने कट कर लिया, तो हमारा कितना बच गया, ये सब तो नीचे पूरा साफ हो गया, ऊपर में हमारे पास 2m और n बचे हैं, तो सिंपल इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 2mn, ठीक है, तो 2m और n, बस यही हमारा बच गया यहाँ पर, बाकी सब हमारे क्या हो गए, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। और ध्यान रखना जब आपस में मल्टीप्लाई का साइन रहता है तभी कट होता है, प्लस माइनस का साइन रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस का साइन है, प्लस साइन लगा लेते हैं, ये 3 का भी स्क्वायर है, तो 3 जा 9, नीचे 2 का स्क्वायर, 2 जा 4 और ये n का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आइए जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसे भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं आप। तो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें डेसिमल में दिया गया है, चलिए डेसिमल वाला भी सॉल्व करना आपको सिखा देते हैं। तो ये क्या है हमारा, पूरा पूरा ए है माइनस में बी है और उसका होल स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 0.4 जो पी है इसका स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस में 2ab यानी कि मल्टीप्लाई करना हमको 2 का a के साथ और b के साथ, यानी कि 0.4p और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 0.5q, ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया b, और फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 0.5q का पूरे पूरा स्क्वायर, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब सभी को हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये 0.4 का भी स्क्वायर है और p का भी स्क्वायर है, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 कितना हो जाएगा, तो आपको 0. में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल साइड में आप देखो इस तरीके से लिख सकते हो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है। तो देखो 4 हमारा कितना होता है, 16 होता है ना। अब यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, और इधर अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो 0 लिखा जा सकता है और लिख ही दिया जाता है, ठीक है, कि जब हम 0.4 और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 0.16 और p है तो p का ये स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो यहां पर माइनस साइन है, तो पहले तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तो आप लंबा चौड़ा सभी का मल्टीप्लाई करो, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। 5 4 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो देखो जैसे हम इसको 20 लिखेंगे तो टोटल 2 डिजिट के बाद यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.2, कितना आ जाएगा 0.2। अब फिर उसका हम लोग को मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा, फिर 2 से करना पड़ेगा, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा हम लोग के पास इजी मेथड क्या है कि एक थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। डेसिमल वाले चैप्टर वैसे तो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, क्लास 8 में अगर की बुक्स में मैं पढ़ाया था, अभी फिलहाल के लिए मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो जैसे इसका हमने इतना आ गया हमारा आंसर, तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.4 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ध्यान रखना, डेसिमल के बाद जब 0 लग जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारा 0.2 कहलाएगा। फिर हम जो उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा और राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये तो ये एक तरीका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा शॉर्ट मेथड, जब कभी भी किसी भी
नंबर का, देखोगे ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी भी नंबर का 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आधा बन जाता है, क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही है आधा होना। जैसे कि 100 का अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 50 आ जाएगा, समझाया, 50 का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, 20 का करोगे तो 10 आ जाएगा। सेम टू सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 का 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का जब हम लोग 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही आंसर आता है जितना रहता है पहले से। जैसे कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 ही आएगा। तो देखा आपने, यहाँ पर भी हमारा 0.4 आया था, यहाँ पर भी हमारा 0.4 आ गया। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं छोटे छोटे, इनको आपको कॉन्सेप्ट है, ट्रिक मत कहो, ये कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझे रहोगे ना तो आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मजा आने लगेगा। तो पी और क्यू यहाँ पर उतर जाएंगे, तो इसको हम लोग उतार देते हैं। उसके बाद अब इस तरीके से ये हमारा 5 का है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 साइड हमारे यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा था वैसे 25 लिख करके हम यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से, और इधर एक 0 लिख देंगे क्योंकि कुछ नंबर नहीं है, और ये क्यू का जो स्क्वायर है वो उतर जाएगा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डेसिमल चैप्टर अगर होगा आपके बुक में या फिर क्लास 6-7 में होगा तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा, एनसीईआरटी भी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी डायरेक्ट चैप्टर 9 को और चैप्टर 1 मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा दिया क्लास 8 का, तो देखेंगे हम डेसिमल वाला भी आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन, ये जो 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हमारा उसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2xy का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2xy और मल्टीप्लाई में b यानी कि 5y, और उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर, पूरे का मतलब कि स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा ये 2 का भी स्क्वायर है, x का भी और y का भी है, तो 2 जो 4 हो जाएगा, ये x का स्क्वायर बन जाएगा और ये y का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन लगा लो, 5 जो हो जाएगा हमारा 10, और 10 जो कितना हो जाएगा हमारा 20, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20, ये हो जाएगा x का x और y मिल करके y का स्क्वायर बना लेंगे, एंड देन यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर है तो 5 जो 25 और y का भी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये दोनों का रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने थे, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।